हेलो स्टूडेंट, आज डिटरमिनेंट का लेक्चर 14 लेकर के आए हैं। इसके बाद एक और बताएंगे 15, लेकिन अभी नहीं। आज का क्लास लेने के बाद चालू करेंगे अब कैलकुलस, और कैलकुलस में फर्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशिएशन का नॉलेज हो जाएगा तब हम डिटरमिनेंट का लेक्चर 15 बताएंगे, जिसका हेडिंग होगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। अभी डिफरेंशिएशन जान ही नहीं रहे इसलिए 15 नहीं करवाएंगे, अभी आज करवाने जा रहे हैं 14। 14 में क्या, हम 13 में बताए थे, 14 में क्या करवाएंगे, ट्रेवियल नॉन ट्रेवियल के बारे में। तो आइए, क्या है ट्रेवियल नॉन ट्रेवियल, तो ध्यान दीजिए। जैसे कि आपको बताए थे पिछले क्लास में कि a1x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई सी टू जेड इज इक्वल टू जीरो, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो। तो बोले थे कि इसमें कॉन्स्टेंट टर्म नहीं ऐड हो रहा है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन। अभी होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोले बताए थे कि सिंपल तरीका से, जो सिंपल 9th-10th में हम लोग जो करते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड मान करके, वो तरीका से हम लोग सिंपल एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे। कोई मतलब कंप्लीट कांस्टेंट रिजल्ट नहीं आएगा, कोई ना कोई हम लोग क्या कहते हैं हेल्प ले लेंगे, नहीं तो समझिए रेशियो में आएगा। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें अगर हम लोग डेल्टा कैसे निकालते हैं, तो आपको पता था डेल्टा एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स को ढकते हैं, डेल्टा वाई वाई को ढकते हैं, और डेल्टा का मतलब हो गया कॉन्स्टेंट को ढक लिया, यानी कॉन्स्टेंट यहां है ही नहीं, ढक लिए। तो एक्स का कोफिशियंट क्या लेंगे बोलिए, ए वन, यहां बी वन, यहां सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री ले लिए। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, या तो इसका मान जीरो आएगा या जीरो नहीं आएगा, यही हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर जीरो आया तो इसको आप बोलेंगे नॉन ट्रेवियल सॉल्यूशन, या इसी को बोलेंगे नॉन जीरो सॉल्यूशन। ओके, अगर जीरो के बराबर नहीं आया तो यही हो गया ट्रेवियल। क्लियर हो गया, यानी अभी के बाद कोई आपसे पूछेगा नॉन ट्रेवियल सॉल्यूशन, तीन इक्वेशन नॉन ट्रेवियल सॉल्यूशन में है, इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट मान क्या होगा, जीरो होगा। तो चलिए असाइनमेंट पर हम क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं। असाइनमेंट में क्वेश्चन था 157 नंबर, 157 नंबर क्वेश्चन। देखिए 157 जो है, वैसे तो जी मेन 2011 का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि दी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर व्हिच द लीनियर इक्वेशन 4x प्लस के वाई प्लस 2z इज इक्वल टू जीरो, के एक्स प्लस 4y प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, 2x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, कह रहा है नॉन जीरो सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑप्शन में जीरो, सेकेंड ऑप्शन में थ्री, थर्ड ऑप्शन में टू, और फोर्थ ऑप्शन में वन। तो देखिए करना क्या है, तीन को इक्वेशन दिया हुआ है, कैसा तीन इक्वेशन कैसा दिया हुआ है, होमोजीनियस इक्वेशन। अब बोला जा रहा है नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब नॉन ट्रेवियल सॉल्यूशन। तो जस्ट आपको बताए थे डिटरमिनेंट बराबर क्या चीज, जीरो। डिटरमिनेंट ले लीजिए, डेल्टा ले लीजिए, डेल्टा क्या है 4, y का कोफिशियंट k 2, यहां पर k, यहां 4,
यहाँ वन, यहाँ टू, यहाँ टू, यहाँ वन। अब सॉल्व कर दीजिए, आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। तो वैसे तो हम लोग ऑपरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन से कोई खास फायदा नहीं है। आप ऐसा कर दीजिए, सिंपल एक्सपेंड कर दीजिए। तो चलिए करिए लीजिए ऑपरेशन। ऑपरेशन करते हैं हम लोग C1 - C2 कर दीजिए, तो कितना मिला डेल्टा इज इक्वल टू हो गया आपको 4 - K, K - 4 0, K 4 2 2 1 1 = 0। अब आप इसमें देख रहे हैं कि 4 - K कॉमन आ जाएगा, जब कॉमन लेंगे तो यहां कितना मिला 1, यहां -1, यहां 0, यहां K, यहां 4, यहां 2, यहां 2, यहां 1, यहां 1 = 0। अब इसके बाद एक्सपेंड कर दीजिए आप। फोर माइनस के कॉमन लिए हुए हैं, एक्सपेंड करिए, मान लीजिए 1 से एक्सपेंड करिए तो कितना मिलेगा 4 - 2 है ना, +1 यहां से, फिर लीजिए K - 4 = 0। अब 4 - K, 4 - 2 क्या मिला 2 + K - 4 = 0। 4 - K यहां हो गया K - 2 = 0, यानी K = 2 और K = 4। तो आपने देखा कि के का कितना मान मिला 2 मान, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखेंगे आप 2, यानी ऑप्शन कर दीजिए सी। अब इसके बाद क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं 128 नंबर या 129। कह रहा है इफ द सिस्टम sin θ (x - y) + z = 0, cos 2θ (2x) + 4y + 3z = 0, यहां 2x + 7y + 7z = 0, हैच नॉन ट्रेवियल सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। करा ये नॉन ट्रेवियल सॉल्यूशन है, तो बताइए थीटा का क्या मान होगा, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो देखिए सिंपल सॉल्यूशन में, आप ऐसा कर दीजिए कि आप जान रहे हैं जहां नॉन ट्रेवियल है डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, यानी sin θ (-1, 1) या cos 2θ (4, 3) या 2, 7, 7। अब इसको जो है ऑपरेशन करते हैं, देखिए कैसे ऑपरेशन हम लोग करते हैं C2 - C3 sin θ (cos 2θ) 2 सब्ट्रैक्ट करिए -2, यहां पर सब्ट्रैक्ट करिए, या ऐसा करिए बेटर रहेगा कि हम लोग यहां C2 C3 को ऐड ही कर देते हैं, यहां आ जाएगा 0, यहां हो गया 7, यहां हो गया 14, यहां 137 = 0।
अब इसके बाद एक्सपेंड कर दीजिए आप, या इच्छा हो तो आप इसमें से सेवन कॉमन ले सकते हैं, जो कोई खास हो सबसे फायदा है नहीं, सिंपल एक्सपेंड करिए। तो देखिए साइन थ्री थीटा लिए कितना हो गया, 49 माइनस 42 माइनस प्लस माइनस प्लस वन लीजिए तो हो गया 14 कॉस 2 थीटा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो अब ध्यान दीजिए 49 में से 42 सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 7 साइन 3 थीटा प्लस 14 कॉस 2 थीटा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 7 कॉमन ले लीजिए, साइन 3 थीटा 2 कॉस 2 थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब जो है ये आपका इक्वेशन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन हो गया, मतलब डिटरमिनेंट से कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं रहा, अब ये ट्रिगोनोमेट्री की दुनियादारी में आ गया। तो अब ट्रिगोनोमेट्री में जब इस टाइप का इक्वेशन रहता है तो हम लोग सबसे पहले ध्यान देते हैं एंगल को इक्वल करने में, यानी या तो कंप्लीट थीटा रहता है या कंप्लीट 2 थीटा रहता है या कंप्लीट 3 थीटा रहता है। हम देख रहे हैं कहीं थीटा है, कहीं 3 थीटा है, कहीं 2 थीटा है, तो एंगल को सेम करिए। कैसे सेम करते हैं ध्यान दीजिए, साइन 3 थीटा बराबर एक प्रॉपर्टी होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और यहां हो गया 2 कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो पता चला यहां पर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कट गया। अब बच गया मेरे पास माइनस कॉमन ले लीजिए 4 साइन क्यूब थीटा ये वाला पार्ट प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा ये वाला पार्ट माइनस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब सब में से ले लीजिए कॉमन साइन थीटा हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन थीटा माइनस 3 इजिकल टू 0, यानी साइन थीटा इजिकल टू 0 थीटा इजिकल टू एन पाई। दूसरा हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 3 इजिकल टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ये, तो आप ले लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 4 प्लस माइनस 16 4 और माइनस 3 बाय 2 इंटू 4 यानी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 और 3 48, तो 48 और 16 कितना होगा 64 बाई 8। इधर आ जाइए तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 8 बाई 8 साइन थीटा इज इक्वल टू, अब अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो माइनस 4 प्लस 8 4 बाई 8, नेगेटिव लेते हैं तो माइनस 12 बाई 8। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 और साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 ये हो गया नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि साइन थीटा लाई करता है माइनस 1 से 1 तक, यानी माइनस और 1 के बीच में मान होगा, लेकिन माइनस 3 बाई 2 का मतलब हो गया डेर, यानी दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा, इसलिए पार्ट हो गया नॉट पॉसिबल। अब जो पॉसिबल है साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो यहां हम लिख देते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6 30 डिग्री। तो जनरल सॉल्यूशन में एक प्रॉपर्टी है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन इंटू अल्फा, तो आपका यहां पर हो जाएगा एन पाई
प्लस माइनस वन टू दी पावर एन और अल्फा के जगह पाई बाई सिक्स। कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन दमदार प्रॉब्लम था 129 नंबर, जिसको डील कर दिया। अब इसी टाइप से क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं 128। में क्या है, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के टू द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस के वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स प्लस के वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड इज इक्वल टू जीरो। कह रहा है फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैच नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, के का मान बताइए, साथ ही साथ सॉल्व भी करिए। तो आइए देखिए क्या करते हैं, वही काम आप करेंगे। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो यानी वन के थ्री, यहां पर थ्री के माइनस टू, टू थ्री माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व सिंपल कर दीजिए, यहां लिए हमने वन, दिस क्या हो गया माइनस फोर के प्लस सिक्स माइनस के, दिस माइनस ट्वेल्व प्लस फोर प्लस थ्री नाइन माइनस टू के इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर आपका हो गया माइनस फोर के प्लस सिक्स माइनस 12 में 4 कितना हो गया माइनस 8 यानी प्लस 8 के प्लस 27 माइनस 6 के इक्वल टू जीरो। तो ध्यान दीजिएगा 6 और 4 10, 10 माइनस 8 माइनस 2 के, 27 और 6 27 और 6 कितना हो गया 33 यानी 2k इज इक्वल टू 33 यानी k इज इक्वल टू 33 बाई 2। एक तो आंसर आ गया k का। अब बात है कि इससे अगर k का मान हम लोग पुट कर देंगे इसमें तो इक्वेशन तो पता चल गया कैसा, होमोजीनियस। और होमोजीनियस का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो बताए थे नॉन होमोजीनियस में क्रैमर रूल यूज होता था, तो होमोजीनियस में सिंपल, लेकिन सिंपल कैसे करेंगे वो बताने जा रहे हैं। तो आइए k का मान आपको पता चल गया 33 बाई 2, पुट कर दीजिए। आइए x प्लस 33 बाई 2 y प्लस 3z इज इक्वल टू जीरो, 3x प्लस 33 बाई 2 y माइनस 2z इज इक्वल टू जीरो, 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू जीरो। 2 से मल्टीपल कर 2x प्लस 33y प्लस 6z इज इक्वल टू जीरो, यहां आपका हो गया 6x प्लस 33y माइनस 4z इज इक्वल टू जीरो, यहां हो गया 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, सिंपल बोले थे जो नाइन टेंथ में, तो देखिए एक चीज बताते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट में सेकंड घटा देंगे तो वाई खत्म हो जाएगा, सेकंड में से थर्ड घटा देंगे तो फिर भी वाई खत्म नहीं होगा।
तो ऐसा करेंगे कि आप फर्स्ट में सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए पहले, और नहीं तो ऐसा कर सकते हैं इसको 3 से गुना कर दीजिए तो एक्स खत्म हो गया, फिर इसको 3 से गुना कर देंगे फिर एक्स खत्म हो गया, ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए वही करिए ना, जरा सा फर्स्ट में 3 से मल्टीपल कर दीजिए और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो गया, 6x, 3 से मल्टीपल करेंगे तो 99y 18z माइनस, सेकेंड क्या है, 6x माइनस 33y प्लस 4z इज इक्वल टू 0, 6x खात्मा। 39 में सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 66y, और 18 और 4 कितना हो गया, 22z इज इक्वल टू 0, यानी 66y इज इक्वल टू माइनस 22z, 11 से कटिए तो 6y माइनस 2z, 6y इज इक्वल टू माइनस 2z, इसको मान लीजिए आप फोर्थ नंबर, यानी y और z का कंडीशन आ गया। अब आप ऐसा कर लीजिए x और z का कंडीशन निकाल लीजिए, तो y वाले को अगर हटा देंगे तो पता चला x z का जाएगा। तो फर्स्ट में से सेकेंड घटा दीजिए, फर्स्ट माइनस सेकेंड कितना होगा, 2x प्लस 33y प्लस 6z माइनस 6x 33y प्लस 4z इज इक्वल टू 0, 33y कैंसिल, 2 और 4 माइनस 4x, 6 और 4 प्लस 10z यानी 4x इज इक्वल टू 10z, काटिए 2 से, 2x इज इक्वल टू 5z, इसको मान लीजिए 5 नंबर। अब देखिए दोनों में चूंकि जेड है कॉमन, जेड हो गया, तो आप क्या करेंगे सो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आइए फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ से देखिए एक्स इज टू वाई इज टू जेड, एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 5z/2, एक्स इज इक्वल टू 5z/2 इज टू, वाई इज इक्वल टू यहां से माइनस 2z/6, जेड को जेड में रहने दीजिए, हो गया। तीनों में चूंकि जेड कॉमन है, जेड को गायब कर दीजिए तो कितना मिला, 5/2 इज टू माइनस 1/3 इज टू 1। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन लाइन टेंथ में पढ़े हुए उसका कंसेप्ट है कि नीचे का पार्ट सेम होना चाहिए, तो कैसे सेव करेंगे, तो ध्यान दीजिए ये 3 और 2 को एलसीएम लीजिए, माइंड में आएगा 6, इसको 6 बनाइए, तो 6 तब बनेगा जब ऊपर नीचे 3 से मल्टीपल करेंगे, तो ऊपर में हो गया 15 और नीचे कितना हो गया, या यहां नहीं कहीं दिखेगा, इधर चलते हैं, यहां देखिए 5/2 इज टू माइनस 1/3 इज टू 1, तो हम बोले नीचे में पार्ट सेम होना चाहिए, तो 3 2 का एलसीएम लीजिए, माइंड में आ गया 6, यानी सब नीचे में 6 बनाइए, 6 कैसे बनेगा जब ऊपर में 3 से मल्टीपल करेंगे, तो 15 नीचे 6, 3 से मल्टीपल करिए मतलब 6 बनाने के लिए, तो 2 से मल्टीपल करिए तो कितना हो गया, माइनस 2 नीचे 6, यहां 6/6। अब रेशियो और प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है कि नीचे में अगर सेम हो गया तो उसको गैप कर दीजिए आप, तो आपको मिल गया 15:-2:6, ओके। या कभी कभी ऐसा भी होता है माइनस से मल्टीपल कर दीजिए, तो यहां माइनस यहां प्लस यहां माइनस, यही हो गया रेशियो किसका, x:y:z, यानी ये आपको पता चला कि नॉन होमोजीनियस में क्रेमर्स रूल यूज करते हैं, एक्स वाई जेड का कांस्टेंट वैल्यू आता है, होमोजीनियस में क्रेमर्स रूल यूज नहीं करते हैं, साथ ही साथ एक्स वाई जेड का मान एग्जैक्ट नहीं आता है, रेशियो में आता है। उसके बाद आप एक और कंसेप्ट सीखे ट्रेवियल नॉन ट्रेवियल, ओके। डिटर्मिनेंट का क्लास 14 क्लास अभी तक लिए हम,
खात्मा हो गया, एक क्लास और हम लेंगे, जब डिफरेंशिएशन पढ़ा देंगे तब जिसका नाम होगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। अगले क्लास से कैलकुलस लेकर के हम आ रहे हैं और कैलकुलस में पहले चालू करेंगे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन जब एंड हो जाएगा तब चालू करेंगे इंटीग्रेशन और फिर चलते रहेंगे। ओके, सेवा दाइंट, जय हिंद। ओके।